दोस्तों ये है बिहार के दक्षिण में झारखंड की सीमा पर बसा नवादा जिला, जो बिहार के 38 जिलों में सबसे अलग जिला माना जाता है, क्योंकि इस जिले की धरती ने कई प्राचीन अंपायर्स के समय को देखा है। ये जिला इतिहास में मगध, सुंग और गुप्ता डायनेस्टी के समय तक रहा है। अभी इसके दक्षिण में झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले आते हैं, जो दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के रास्ते में आता है। दोस्तों अंग्रेजों के समय ये जिला भी गया जिले के सब डिवीजन के रूप में कार्य करता था, लेकिन आजादी के बाद 26 जनवरी 1973 को इसे गया से अलग करके स्वतंत्र जिले की पहचान दे दी गई। दोस्तों गया जिले से अलग होने के बाद इसका कुल क्षेत्रफल 2494 वर्ग किलोमीटर हो गया, जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। क्षेत्रफल को जनसंख्या के साथ बांटा जाए तो यहां 1 वर्ग किलोमीटर में 890 लोग रहते हैं। कंपैरिजन के लिए बता दें, नॉर्डिक देशों में शामिल लातविया देश की जनसंख्या भी बिहार के इसी जिले के बराबर है। 22 लाख की जनसंख्या इसे भारत का 205वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बनाती है। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या में लगभग 61% लोग पढ़े लिखे हैं, जो पिछले दशक के मुकाबले 3% ज्यादा है। ये लिटरेसी इस जिले के शहरी क्षेत्र की है। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के लोग इससे भी कम पढ़ाई लिखाई करते हैं। पुरुष महिला अनुपात की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर 936 महिलाएं पाई जाती हैं। आसपास के पड़ोसी जिले की तरह ही यहाँ भी 55% लोग मगधी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसके अलावा 36% हिंदी और 7% के लगभग उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें इकोनॉमी की, तो आसपास के क्षेत्रों की तरह ही इस जिले में भी ज्यादातर लोग खेती से जुड़े काम धंधे या किसानी करके अपना पेट पालते हैं। यहाँ पर साग सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, दाल जैसी फसलें ज्यादातर मात्रा में उगाई जाती हैं। जिले में गांव के लोग सिल्क, फैब्रिक और बीड़ी बनाने जैसे रोजगार से भी अपना घर खर्च निकालते हैं। शहर से 10 किलोमीटर दूर यहां एक शुगर मिल भी मौजूद है, जहां पर गन्ने से चीनी, गुड़ जैसी खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जिले के कादिरगंज में एक छोटी सी सिल्क इंडस्ट्री भी है, जहां पर लोग रेशम की सफाई और प्रोसेसिंग का काम करते हैं। इसके अलावा जिले के झारखंड से सटे इलाकों को ट्रेड हब या मार्केट्स के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। NPCIL के द्वारा रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की भी संभावना बताई जा रही है, जो 2800 मेगावाट बिजली पैदा कर सकने में सक्षम होगा। औरंगाबाद, जमुई, बांका की तरह ही इसे भी BRGF की तरफ से डेवलपमेंट फंड दिया जाता है। फ्यूचर में होने वाली डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ के गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है। जिले के विभिन्न हिस्सों में नेशनल हाईवे 20 और 120 गुजरते हैं। जिले में 420 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं, जहाँ के ज्यादातर वाहनों की नंबर प्लेट BR27 से शुरू होती है। यहाँ से आपको बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड की राजधानी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज वाले शहरों तक लग्जरी बसों की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों रेलवे लाइंस भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। नवादा जंक्शन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ऑपरेट करता है। यहां से आपको दिल्ली, कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बड़े शहरों तक सीधी ट्रेनें मिल जाएंगी। इस रेलवे लाइन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहां पे नंबर ऑफ ट्रैक्स को इंक्रीज किया जा रहा है। साथ ही साथ इस रास्ते को इलेक्ट्रिफाई करने का भी काम पूरा हो चुका है। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस अपने शहर या राज्य के बारे में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।